हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। स्वागत है आप सभी का मेरे को न्यू व्लॉग में। आई होप कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव और अच्छा जाए। आई एम सॉरी कि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, क्योंकि मैं अभी इस टाइम बरांडे में खड़ा होकर व्लॉग कर रहा हूँ, तो अभी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं तो शोर आ रहा होगा। सो अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है गाइस। मैंने अभी बाहर जाना है, मतलब बाहर नहीं जाना, मैंने एक बुक शॉप पे जाना है। वहाँ से मैंने एक बुक नहीं लेके आनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, तो मैं अभी आपको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल बाल मेरे ऐसे हो रखे हैं, अभी रेडी होते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं हम बुक शॉप की तरफ। बाकी मैंने एक ये पेंटिंग बनाई थी, आपने काफ़ी बार मेरे व्लॉग में देखा होगा, किसी ने नोटिस किया होगा किसी ने नहीं किया होगा, तो मैं बता देता हूँ ये मैंने बनाई है। तो ये है गोकू की पेंटिंग है, इसमें कलर नहीं किया, बस स्केच है ये गोकू का। तो कमेंट में बताना गाइस कैसा बना है। तो अभी चलते हैं बाहर, अपुन रेडी हो चुके हैं। सो जैकेट जुकेट सब पा लिया है, बाल भी साइड कर लिए हैं, चलो निकलते हैं बुक शॉप की तरफ। ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस बुक लेने नहीं जा रहा हूँ अभी, मेरे पे वो बस मैंने उसके अंदर से कुछ मतलब लेनी है, बाद में लूंगा मैं वो बुक। बस मेरे को उसके अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, एक मतलब जो चैप्टर मिले हैं ना, तो वो नैतिक शिक्षा के हैं। मेरे पे इस टाइम गाइड है, उसके अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। नैतिक शिक्षा के अंदर बस मैंने देखना है कि क्या क्या कौन कौन से लेसन है, बाद में ले लेंगे, अभी फ़िलहाल देख के आते हैं। मैं आया था भारत बुक डिपोर्ट, जो बुक मैंने लेनी है वो यहाँ से मिलेगी। तो ये है वो बुक जो मैंने लेनी है, और इसके ये रहे 5 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है सरस्वती माता का। हाँ तो गाइस, जो बुक मैंने लेनी थी वो अभी मैं पूछ के आ गया हूँ, नैतिक शिक्षा की है, 60 रुपीज़ की है। तो अभी लेंगे, मैं अभी मैंने उसकी फ़ोटो खींच के, मेरा दोस्त कह रहा था ना कि फ़ोटो खींच के मेरे को भेज दियो, तो उसको भी दिखा दूंगा, तो फिर उसके बाद मैं बाद में लेने आ जाऊँगा। वैसे आज का मौसम सही हो रहा है भाई, धूप निकल चुकी है, मतलब काफ़ी दिनों से ना ठंडी ठंड पड़ रही थी, धूप तो निकल ही नहीं थी। घर से बाहर निकलेगा फिर मन ही नहीं करता है, ऐसी धूप निकले ना तो मतलब कहीं पे भी मतलब आसानी से जा सकते हैं, इतनी ठंड भी नहीं लगती है। चलो यार अभी घर चलते हैं, मेरे को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, लंच करेंगे घर जाके, देखते हैं आज क्या बना लंच में। तो अभी चलते हैं घर। तो जल्दी घर जाने के लिए तुम्हारा भाई एक छोटा सा मैजिक करने वाला है, मतलब ट्रिक करने वाला है। सो रेडी, 1, 2 and 3। ओ आ गया तुम्हारा भाई घर पर। ट्रिक थी वो, कोई मैजिक नहीं था। तो अभी शायद टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 3:20, 3:30 बजने वाले हैं भाई। जिम भी जाना है, मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है, तो जिम जाएंगे शाम को। और आज आज है सैटरडे है ना, आज मेरे ख्याल से, हाँ सैटरडे है, तो आज मंदिर भी जाना है हमने। तो अभी लंच करते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरे को भूख भी लग रही है, तो देखते हैं आज लंच में क्या बना है। लंच में आज हमारे पास है 1 कटोरी छोले और 3 पराठे, तो जल्दी से भाई फिनिश करते हैं, छोले मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सो गाइस, मैं अभी बाहर आया था तो मम्मी ने इन दोनों को खाना दे दिया है, एक वो खा रहा है और एक ये खा रहा है, तो प्यारे लग रहे हैं ना ये खाते हुए, एक इधर खा रहा है एक उधर खा रहा है, अलग से दोनों के लिए हमने रख के रखा था खाना। खा लिया तूने, खाना खा लिया तूने, और चाहिए? बस भाई खा तो लिया खाना, और कितना दूँ, देखो इन्हें फिनिश कर दिया, वो भी खाने में लगा हुआ। सो गाइस आप यहाँ पे हैं। सो मैं सो गया था, बस अभी अभी उठा हूँ, अभी बज रहे हैं 5:30, तो चलते हैं यार जिम, अपनी अपने प्री वर्कआउट रेडी करते हैं, फिर
फिर निकलते हैं जिम के लिए। मैं अभी रास्ते में हूँ, जिम पहुँचने वाला हूँ। तो आज मेरा है लेग सेशन, लेग वर्कआउट मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेग सेशन है आज। तो भाई टांगों की बैंड बजने वाली है, तो अभी चलते हैं भाई जल्दी से जिम। बस जल्दी से वर्कआउट ख़त्म करते हैं और शाम को हमने जाना है मंदिर। अभी तो 5:30 हो रहे हैं, तो देखो अभी भी मतलब शाम ढलने वाली है। डाइट प्रिपेयर कर ली थी एंड मैं अभी मम्मी को छोड़ने आया था। बस मैंने मम्मी को छोड़ दिया है एंड मैं अभी निकल रहा हूँ मंदिर के लिए। काफी ज्यादा लेट हो गई, कौन होगा। सो अभी मैं निकल रहा हूँ मंदिर के लिए। एंड वैसे आज का लेग सेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहा मेरी भाई, लेग्स की तो बैंड बजी पड़ी है। मतलब इतना दर्द हो रहा है ना लेग में, मैं से चला तो जा रहा है लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। बाकी अभी चलते हैं मंदिर, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। बीस का प्रसाद देना, बीस का हर प्रसाद, तीस का ये दे दो, 30 का। थैंक यू।